तो ये बात है 2-3 दिन पहले की, जब मैं ऐसे ही रास्ते से चलता चलता जा रहा था। एंड बाय द वे ये मैं हूँ, मतलब मैं इतना छोटा नहीं हूँ, लेकिन ना ये रैंडम फोटो है किसी बच्चे की। वेल वो छोड़ो, तो मैं ऐसे ही चलता चलता जा रहा था रास्ते से, बहुत ट्रैफिक थी। अरे रुको 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 रुको, अरे ये चीज को तो हटाया ही नहीं मैं, रुको रुको रुको, हाँ अब सही है। हाँ तो मैं कहाँ पे था, तो मैं ऐसे ही रास्ते से चलता चलता जा रहा था, तभी मैं एक ग्राउंड पे पहुंचा। तो अभी हम लोग ग्राउंड के अंदर जाएंगे, ये रहा मेरा ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पे मैं पहुंचा और उधर पे मैं क्या देखता हूँ सामने, नहीं 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 क्या देखता हूँ, गैस करके बताओ। Iron Man versus Thanos. दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मतलब सीरियसली दोनों एक्चुअल में लड़ रहे हैं एक ग्राउंड के अंदर। रुक जाओ, थानोस को भी थोड़ा बड़ा करने दो। हाँ ये दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत खतरनाक वाली। तो मैं उसे देखने के लिए बैठ गया। वही काम सब लोग करते हैं मेरी ये वाली वीडियो पे, मैं युद्ध कराता हूँ और वो देखने बैठ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने को मिलेगा, बैटल देखने को मिलेगा। वैसे अगर सच्ची में ये दोनों दिखे ना मुझे ग्राउंड पे, तो मैं भाई डायरेक्टली आर्मी बुलाऊंगा, क्योंकि थानोस को देख के कौन खुश हो सकता है असलियत में, वो चुटकी मारेगा ना। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले टोटल एक्यूरेट बैटल सिमुलेटर। जी हाँ, इतनी कहानी की जरूरत नहीं थी ये गेम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वेल वो जो भी हो, आज के दिन हम लोग वापस से कराने वाले बहुत सारी बैटल ये गेम के अंदर, देखते हैं कि किस किस की बैटल हम लोग कराते हैं। एंड अभी के अभी जाके आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना। और मेरे ख्याल से हम लोग ये सब मैप्स बहुत बार खेल चुके हैं, ये डार्क वाले को छोड़ के, क्योंकि जिसको हम लोग खेलेंगे थोड़ा रुक के, मुझे एक बार ट्राई करना है ये। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम लोगों को कुछ अलग खेलना चाहिए, कोई अलग मैप खेलना चाहिए, जैसे कि स्टेकी मॉब्स, ये खेल के देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओहो ये वेट, ये तो एकदम नॉर्मल मैप जैसा ही है। नहीं ये अच्छा मैप है, देखो वाओ यार अच्छा मैप है, मुझे लगा एकदम नॉर्मल मैप जैसा है। एंड इधर पे है हमारा एक योद्धा जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, सामने की तरफ है 4 नमूने ब्लू कपड़े में, देखते हैं कौन जीतेगा। और ये देखो भाई स्वॉर्ड वाला तो गया काम से मुझे लगता है, क्योंकि 4 के आगे स्वॉर्ड वाला नहीं टिक पाएगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। स्वॉर्ड वाला क्या जीतेगा या हारेगा पता नहीं, वो पता लग जाएगा अभी। और ये देखो ये क्या भाई, ये कौन है, वेट ये 4 तो गए काम से, और ये कौन नया आ गया, वेट यार ये बाकी लोग कैसे आ गए, ये तो ऐसा लग रहा है ये माइनक्राफ्ट का सर्वाइविंग जैसा है, हम लोग को सर्वाइव करना रहता है। डिफीट, ब्लू वाला गया काम से, अरे यार मुझे थोड़ा और देखना था ये कब तक सर्वाइव कर पाता है, वो देखना था मुझे, बट चलेगा इतना ही सर्वाइव कर पाए ये। अब हम लोग दूसरा मैप ट्राई करते हैं, कस्टम मैप्स ही खेलेंगे आज के दिन। कस्टम मैप में बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता देता हूँ। लाइक इधर पे द एंडर ड्रैगन का भी है, तो उसको मैं खेल के एक बार देखता हूँ। बट इधर पे एंडर ड्रैगन किधर है, ये है एंडर ड्रैगन। बस बहुत हो गया, अब मैं ये गेम के अंदर एंडर ड्रैगन दिखाऊंगा सबको, वही मैप के अंदर जिसमें मैंने कहा था, मतलब मैंने कहा नहीं था कि मैं एंडर ड्रैगन इस मैप में दिखाऊंगा, लेकिन ये एकदम डार्क है तो डार्क मैप में एंडर ड्रैगन देखते हैं कि कैसा है वो। मैंने लास्ट वाली वीडियो में नहीं दिखाया था, मुझे पता है मैं भूल गया था, लेकिन आज के दिन बहुत बहुत खतरनाक होगा। एंडर ड्रैगन ये रहा, ये देखो दिख रहा है ना, तो मैं एंडर ड्रैगन वर्सेस एंडर ड्रैगन करता हूँ, क्योंकि ये डार्क है, इसके लिए हम लोग जल्दी से इन दोनों की बैटल कराएंगे। और ये देखो एंडर ड्रैगन वर्सेस एंडर ड्रैगन, ये क्या चल रहा है, नहीं अच्छा दोनों पीछे क्यों जा रहे हो, अबे पीछे क्यों जा रहे हो, अबे फाइट करो, ये क्या है, ये ऐसी फाइट है, 2 एंडर ड्रैगन को मैंने स्पॉन किया और ऐसी फाइट ये लोग कर रहे हैं, तो ढंग से करो फाइट, मुक्का मारो। ये दूसरा वाला किधर गया, ब्लू विक्ट्री, मतलब मुझे पता भी नहीं लगा दूसरा वाला टपक भी गया, पता नहीं कैसे। कोई अच्छा मैप ही खेलते हैं, एंसेंट का सैंडबॉक्स हम लोग खेलते हैं। हाँ ये जगह एकदम खाली है, इधर पे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, तो पहले तो मैं बुलाता हूँ, आज मैं तो सुपर हीरोज को भी बुलाने वाला हूँ, इनमें से कोई एक को मैं बुलाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सुपर हीरो, जैसे कि जिस जिस कैरेक्टर्स को मैंने नहीं बुलाया, जैसे कि कैप्टन मार्वल,
ये है कैप्टन मार्वल। ओके, बहुत अच्छा, बहुत डेवलपमेंट की है कैप्टन मार्वल ने। उसके बाद मिस्टीरियो, मिस्टीरियो भी भाई क्या लग रहा है, मतलब रियल लाइफ की फोटो देखो एंड इसकी फोटो देखो, मतलब एकदम सिमिलर, एकदम सेम ही लग रहा है मुझे तो। उसके बाद मैंने किस किस को नहीं बुलाया था, चलेगा वो छोड़ो, मैं स्पाइडरमैन को बुला देता हूँ, बहुत सारे, कैप्टन अमेरिका को भी बुला देता हूँ बिकॉज ही इज कैप्टन। उसके बाद मैं बुलाता हूँ आयरन मैन, अरे वाह आयरन मैन मेरे पास, तो आयरन मैन को आगे रखते हैं और सामने सामने होगा, यू नो गाइस, यू नो कौन होगा, एंडर ड्रैगन विदर, क्योंकि ये दोनों को मैंने बुलाया ही नहीं था, मैं भूल क्यों जाता हूँ चीजों को, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों को बुलाया जाए, टैब्स के अंदर एक और बार वॉक कराया जाए, देखते कि ये दोनों या फिर हमारे सुपर हीरोज, जो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है, अच्छे खासे है, अब देखते है कि कौन जीतता है। एंड ये कॉइन्स पे विश्वास मत करना, ये सैंडबॉक्स वाला हम लोग मोड खेल रहे हैं तो इसके अंदर कॉइन्स कोई मायने नहीं रखते। हाँ अगर हम लोग कैंपेन खेल रहे होते तो बात अलग रहती, लेकिन अभी हम लोग बैटल करा के देखते हैं, लेट्स सी कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। ब्लू टीम में कौन है, मेरे ख्याल से मुझे पता है कौन है, हमारा एंडर ड्रैगन। भाई एंडर ड्रैगन कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, रुक जा एंडर ड्रैगन। थैनोस, तो थैनोस वर्सेस हमारे एंडर ड्रैगन एंड ये विदर, ये दोनों तो भाई बच्चे हैं, थैनोस बहुत खतरनाक है, देखते हैं कि क्या होता है, मुझे लग रहा है कि थैनोस जीतेगा, बट देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो भाई कितना घमासान युद्ध चल रहा है, मतलब सीरियसली ये देखो इन दोनों को कैसे लड़ रहे हैं, और विदर क्या कर रहा है, अरे कुछ तो कर ले, ओ बाप रे कितना दूर चला गया थैनोस। और एंडर ड्रैगन किधर गया, एंडर ड्रैगन, अच्छा मुझे लगा ये एंडर ड्रैगन, बट अभी विदर के साथ फाइट हो रही है थैनोस की, अरे ऊपर से क्या गिर रहा है, अच्छा ये विदर गिरा रहा है, बाप रे बाप, भाई दोनों की बैटल बहुत घमासान हो रही है, और रेड टीम विक्ट्री, मतलब रेड टीम का मतलब है थैनोस की विक्ट्री हो चुकी है, सॉरी एंडर ड्रैगन एंड विदर, थैनोस के टक्कर में तुम लोग नहीं हो बिल्कुल भी, थैनोस बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसके लिए बाय बाय चलो जाओ। तो अब हम लोग थैनोस के सामने किसको लाएं, कौन है वो, वेट मेंबर्स ड्रैगन बॉल जी का भी है ना, हाँ ये रहा गोकू, वेट दो है, अच्छा ये रहा, अब हम लोग गोकू को लेंगे थैनोस के सामने, देखते हैं कि क्या होता है, एक गोकू वर्सेस थैनोस, लेट्स सी, और बहुत खतरनाक होने वाली है ये बैटल, क्योंकि अब तक मैंने गोकू को लाया नहीं था, पहली बार लाया, ओ बाप रे ये देखो ये गोकू को, और ये सो क्यों जा रहा है, अरे सो मत, और ये देखो भाई पावर गोकू की, रेड टीम मुझे पता था थैनोस ही जीतेगा, अब तो हो गया, अब तो खेल खत्म थैनोस का, अब मैं लाने वाला हूँ ये तीनों को, हाँ ये तीनों को, वेजिटा, साइटामा मींस वन पंच मैन, एंड उसके साथ साथ गोकू, सुपर गोकू, गोकू सुपर, इन तीनों के बीच में देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये तीनों हरा पाएंगे थैनोस को, देखते हैं, बहुत मजा आने वाली है, लेट्स सी। और ये बैटल चालू हो चुकी है, दुनिया के सबसे खतरनाक बैटल, टैब्स की सबसे खतरनाक बैटल, देखते हैं कौन जीतेगा, मेरा गैस यही है कि थैनोस ही जीतेगा, क्योंकि वही जीतता आया है, मैं लाता ही क्यों थैनोस को जब वही जीतेगा, देखो मुझे लग रहा था कि कुछ तो खतरनाक होगा, ये तीनों को मैंने बुलाया बट कुछ भी नहीं हुआ, लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं हुआ, थैनोस का बाल भी बाका नहीं हुआ, जाओ तुम लोग। मेरे ख्याल से अब हम लोग को एक बार देखना चाहिए थैनोस वर्सेस थैनोस करके, क्योंकि मैंने अब तक वर्सेस कराया लेकिन थैनोस वर्सेस थैनोस मेरे ख्याल से मैंने अब तक नहीं कराया, देखते हैं कि क्या होता है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। एंड वेट यार थैनोस फेंक रहा है क्या ऊपर से, मतलब थैनोस का हाथ से वो गाउंटलेट से ये फेंक रहा है पत्थर मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पत्थर और कहां से आ रहा है, इसमें थैनोस का हाथ है, वैसे अब दो दो थैनोस है, देखते हैं कि क्या होता है, होने क्या वाला है, क्या होगा, कौन जीतेगा इसका पता अभी हम लोग लगाएंगे, अभी बस एक सेकंड में, नहीं एक सेकंड नहीं बहुत टाइम लगेगा इन लोग को फाइट करने में, पर पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। वेट यार मैं एक चीज तो भूल ही गया, मैंने सोचा ही नहीं कि अगर थैनोस दूसरे थैनोस से लड़ेगा तो थैनोस ही जीतेगा ना, इन दोनों के बैटल कराने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग कुछ और करते हैं, एक ही मैप खेल रहे हैं कब से, तो मैं सोच रहा हूँ वापस से हम लोग जाते हैं कस्टम कंटेंट पे, एंड उधर पे हम लोग एक कुछ नया मैप, कोई नया मैप हम लोग ढूंढते हैं, वेनम एस्केप, ओके ये करके देखते हैं, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होगा लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये देखो ये रहा वेनम, तो इसे हम लोग वेनम मान सकते हैं, और इसके आजू बाजू देखो
ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये कौन है? कौन? मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन ये कोई तो है। अब देखते हैं कि क्या होता है वेनम का। क्या ये वेनम डिफीट कर पाएगा इन सब लोगों को या नहीं, पता नहीं। ओ भाई भाई, ब्लड चूस रहा है यार वेनम तो ये सबका। ओ बाप रे, कौन जीता? ऑब्वियसली ऑब्वियसली वेनम, क्योंकि वेनम बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। ये दूसरा लेवल, वाह यार बहुत अच्छा चीज है ये तो। मुझे पता नहीं था दूसरा लेवल भी है इस गेम के, ये मैप के अंदर। ये गेम के अंदर तो है ही। तो ये रहा हमारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्हाइट वेनम। पता नहीं ये व्हाइट कैसे हो गया। तो अभी हम लोग इसके सामने लाने वाले हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो मैं सोचा हूँ पहले एंशिएंट वालों को थोड़ा आगे रखते हैं, इससे बैटल करने में आसानी हो। नहीं ये नहीं, सोल्जर्स को रखते हैं पुराने जमाने के। एंड इसके बाद ये क्या है? वेट वेट वेट, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे। हाँ इन लोग को भी रख देते हैं। ईवल ईवल लग रहा है मेरे काम की चीज। तो ये, ओ बाप रे भाई, ईवल रखते हैं ना, ईवल लोगों को रखते हैं। ये पुराने जमाने के लोगों को हटा देते हैं। बाय बाय, पुराना जमाना खत्म हो चुका है, नया जमाना आ चुका है, अब ईवल लोग आएंगे। हाँ बहुत ज्यादा ईवल, सब लोग बहुत ज्यादा ईवल है। मुझे पता भी नहीं कौन कौन है ये लोग, पर मैं रख रहा हूँ बस। मुझे बस ये वेनम को डिफीट करना है और मैंने रख चुका है आई थिंक से बहुत ज्यादा लोगों को। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये वेनम हराता है? ओ बाप रे, क्या चल रहा है, क्या है? तो मुझे पता लग चुका है 10 सेकंड्स में वेनम को खत्म करना है इन सब लोगों को। और क्या वेनम कर पाएगा? विक्टरी सर्वाइव्ड 15 सेकंड्स आई थिंक, सर्वाइव करना था, पता नहीं क्या करना था, बट किया हमने किया। फिर गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। बाय बाय।